आपके साथ अर्चना गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से आरजेडी के विधायक रहे धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। हालांकि इनकी सजा को लेकर कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, यानी कि सजा पर कल सुनवाई होगी। अब जरा ये समझिए कि पूरा मामला आखिरकार है क्या और किस मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। ये पूरा मामला साल 2020 का है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर और मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। आपको ये भी बताते चले कि अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर यह आरोप लगाया कि उन्हें किडनैप करके यानी कि धनंजय सिंह के दो साथियों ने अभिनव सिंह का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद वो उनके आवास पर ले गए, जहां पर उनको पीटा गया और उसके बाद उन्हें गालियां दी गई और उसके बाद कम गुणवत्ता की आपूर्ति के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनव सिंघल ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और ये पूरा मामला जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चला और जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और आज उन्हें यानी कि धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कल जब फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी सजा को लेकर, तो उन्हें कितने वर्ष की सजा दी जाती है, क्या फांसी की सजा दी जाती है या फिर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, यानी उन्हें सजा किस प्रकार की दी जाएगी, इस पर निगाहें बनी रहेंगी।